दुनिया में एक और कॉन्फ्लिक्ट एपिसेंटर बन रहा है और विवाद का यह एपिसेंटर है चीन और ताइवान का। चीन लगातार ताइवान पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है और अब चीन ने एक ऐसी हिमाकत की है जिससे महायुद्ध की आहट माना जा सकता है, क्योंकि चीन ने फिर किया है अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन और यही सबसे बड़ी खबर है। जहां ताइवान सीमा में घुसे हैं चीन के 103 लड़ाकू विमान, 24 घंटे में 9 युद्धपोत ताइवान की सीमा में शामिल हुए हैं और चीनी विमानों की घुसपैठ से ताइवान में गुस्सा भी और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से चीन के इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश अब की जा रही है, चीन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। ताइवान का बयान आया कि चीन ऐसी हिमाकत कर रहा है और इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश में है। चीन लगभग हर रोज ताइवान के इलाके में घुसपैठ करता है और हाल के दिनों में चीनी घुसपैठ की कोशिशें भी काफी बड़ी हैं। हालांकि ताइवान की सीमा में चीनी घुसपैठ की ये डिटेल रिपोर्ट आपके सामने, जहां 24 घंटे में चीन के 103 फाइटर जेट्स की घुसपैठ को लेकर ये बड़ी खबर आई, क्योंकि रविवार और सोमवार के बीच 40 विमान ताइवान में शामिल हुए हैं और शनिवार और रविवार के बीच 63 विमान ताइवान में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। ये रहा चीन और ये रहा ताइवान और ये रही वो मीडियन लाइन जिसे पार करने की हिमाकत चीन बार बार कर रहा है। और सितंबर में देखिए अब तक 310 चीनी विमानों ने घुसपैठ की है। हालांकि 9 चीनी युद्धपोत ने भी ताइवान के क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है और आंकड़ा उस लिहाज से समझिए जहां सितंबर में ही 124 बार चीनी युद्धपोत घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि अब देखिए आज की बड़ी खबर, जहां चीन ने किन किन विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की है, यही डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि यहां पर है चीन और यह है ताइवान की वो मीडियन लाइन जिसे आज J-10 ने पार करने की कोशिश की है। वहीं 10 Su-30 फाइटर जेट्स के साथ यहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई है। J-11 भी काफी देर तक गतिविधियां बढ़ाते रहे और इस मीडियन लाइन को पार करने की कोशिश की। वहीं J-16 आगे बढ़ते हुए मीडियन लाइन से बहुत हद तक आगे बढ़ते हुए काफी देर तक इसी तरह मंडराते रहे। वहीं दो शियान वाई ट्वेंटी थे जो इस मीडियन लाइन को पार करते हुए नजर आए और ताइवान की सीमा में चीनी घुसपैठ की ये आज के वो आंकड़े हैं जहां 103 बार ये गतिविधियां देखने को मिली हैं। KJ-500 जो सबसे ज्यादा आगे इस पूरे इलाके को पार करते हुए गए और ये वो ताइवान है जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए जिस तरीके से घुसपैठ की ये कोशिश की जा रही है, चारों तरफ से घेराव तो नहीं संभव लेकिन बहुत हद तक ज्यादातर इलाकों में घुसपैठ की इस कोशिश को जिस तरीके से चीन ने अंजाम दिया है, ताइवान भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन इस बीच अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि चीन के खिलाफ ताइवान किस तरीके से बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन से मुकाबले के लिए स्वदेशी पनडुब्बी भी अब तैयार बताई जा रही है। हालांकि इस बीच इस बारे में और डिटेल जानकारी आपके सामने रखें, तैयारी को लेकर और डिटेल बताएं, उससे पहले एक तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच एक मीडियन लाइन है जिसे चीन की सेना बार बार पार करके ही ताइवान की सीमा में दाखिल हो जाती है और हाल के दिनों में ताइवान की सीमा में चीन की घुसपैठ जिस तरीके से बढ़ रही है, ताइवान भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा है। ताइवान में चीन की बढ़ती घुसपैठ की वजह है चीन की महत्वाकांक्षा। ताइवान एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है जिस पर चीन अपना दावा करता है और ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब इसी कोशिश के तहत किस तरीके से ताइवान की तैयारी बढ़ती जा रही है, इसी अगली बड़ी खबर का रुख करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें, ये वो तस्वीरें हैं जैसा आपको बताया, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है, समुद्र से घिरा हुआ है और ये ताइवान की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन्हीं बॉर्डर एरियाज पर, समुद्री इलाकों पर गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं चीन के खिलाफ, अब ताइवान की ये बड़ी तैयारी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चीन की घुसपैठ को लेकर ही आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां ये वो इलाके हैं जहां बार बार चीन हिमाकत करते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखिए चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान किस तरीके से मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन से मुकाबले के लिए अब स्वदेशी पनडुब्बी तैयार हो चुकी है और स्वदेशी पनडुब्बी से चीन को मुंह तोड़ जवाब ताइवान देने वाला है। हालांकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिस पर पिछले कई सालों से ताइवान काम कर रहा था, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है, स्वदेशी पनडुब्बी किस तरीके से एक बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है ताइवान का और उस लिहाज से वो चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी भी कर रहा है।
तो ताइवान स्वदेशी पनडुब्बी बना चुका है और ताइवान की कोशिश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में आत्मनिर्भर बनने की है। हालांकि 28 सितंबर से आपको बता दें स्वदेशी पनडुब्बी का परीक्षण शुरू होगा और 2024 तक स्वदेशी पनडुब्बी को कमीशन भी किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से MK-4A टॉर्बिडो से ये पनडुब्बी लैस होगी। और ताइवान के पास फिलहाल बता दें 2 पनडुब्बियां हैं, ताइवान 7 और पनडुब्बी का निर्माण करेगा। समुद्र में ताइवान की बढ़ती ताकत पर जाहिर सी बात है चीन भी वार कर रहा है और परेशान भी हो रहा है। इसलिए अब ताइवान के खिलाफ चीन की एक और बड़ी साजिश है और ताइवान तक हाई स्पीड रेल लिंक बनाना चाहता है चीन। चीन की योजना को ताइवान ने खारिज कर दिया है और ताइवान ने चीन की योजना को हालांकि इच्छाधारी सोच बताया है, एक माइंडफुल गेम के साथ साथ इच्छाधारी सोच बताया गया है ताइवान की तरफ से, क्योंकि अब हाई स्पीड ट्रेन की आड़ में चीन की ये कौन सी साजिश है उस बारे में जानकारी आपको दें। उससे पहले बता दें कि रेल लिंक को लेकर जो इच्छा चीन ने जाहिर की है उस प्रोजेक्ट पर चीन भी बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इसलिए अब ताइवान तक पहुंचने के लिए रेल लिंक बनाने की चीन की इस योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब खास ग्राफिक्स के जरिए आपको यह इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि किस तरीके से चीन की एक और साजिश को लेकर ये बड़े खुलासे हुए, जहां चीन के सबसे नजदीक मत्सु आइलैंड तक ट्रेन चलाने का यह प्लान सामने आया है। चीन के बेहद करीब है ताइवान के किनमिन द्वीप, वहां तक भी कनेक्टिविटी बिछाने की ये योजना है। आपको बता दें किनमिन और मत्सु चीन से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले द्वीप हैं और ताइवान पर कब्जे की चीन की ये एक सबसे बड़ी चाल है। हालांकि ताइवान ने चीन के मंसूबों को खारिज भी कर दिया है, तो अब ताइवान रोजाना तैयारी भी बड़े स्तर पर कर रहा है क्योंकि चीन की हिमाकत घुसपैठ के तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है।